बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज विज़िट किया है प्रॉपर्टी मिंटोर की नई ब्रांच पर, जहां लोगों के ख्वाब पूरे होते हैं। प्रॉपर्टी मिंटोर अपनी आला कारकर्दगी और अच्छे टीम वर्क की वजह से कराची के तमाम बिल्डर्स की अव्वलीन तरजीह बनता जा रहा है। आज भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट के साथ नया इफ्तिता कर रहे हैं, तो चलते हैं, चल कर देखते हैं। और आप भी देखिएगा, जो मेरे भाई बहन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं, सस्ता प्लॉट चाहते हैं, सस्ती प्रॉपर्टी चाहते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है। तो चलकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू मैम। मेरा अक्सर करके विजिट होता है प्रॉपर्टी मेंटोर के ऑफिस में। बिल्कुल, आप हमारे बहुत पुराने और बहुत अजीज जो है ना यूट्यूबर हैं। ठीक हो गया मैम। ये बताएं, कोई प्रॉपर्टी मेंटोर के नए कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं? प्रॉपर्टी मेंटोर, पहले मैं बता देती हूँ, आपके नए देखने वाले मैं ज्वाइन कर रहे होंगे, तो प्रॉपर्टी मेंटोर एक मार्केटिंग एजेंसी है जो बड़े मायनाज स्ट्रॉन्ग क्लियर काम करने वाले जो बड़े बिल्डर्स हैं, वैसे तो अलहमदिल्ला सारे ही हैं, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं और कोशिश करते हैं कि जो मीडियोकर्स, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उनके लिए और हमारे दूसरे लोगों के लिए भी घर बनाने की जो सहूलत है वो हम मैसर करें, उनको प्लॉट्स वगैरह परचेज करने में, सेल करने में हम काम करते हैं मुख्तलिफ बिल्डर्स के साथ कि सोसाइटी लाउंज पे जो लाउंज होता है, सेल्स परचेज हमारा काम है। आपने मुझे प्रोजेक्ट्स का पूछा, नए तो नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, लेकिन कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हम पहले दिन से आज तक काम कर रहे हैं। आपको पता है गुलमोहर सिटी M9 पे, गुलमोहर का एक और प्रोजेक्ट है रिवर लिंक वालों का, गुलमोहर ग्रीन्स जो नूरियाबाद पे है। इसके अलावा जो है हमारा प्रोजेक्ट है शंगरीला सिटी स्कीम 45 में, हिल सिटी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। इसके अलावा अन्नाफे हमारे पास प्रोजेक्ट है, अलगफूर हमारे पास है, मेमन फार्म हाउसेज हमारे पास हैं, फार्म हाउसेज पे भी हम काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सॉलिड। आप सर्वे लैंड लेना चाहें, सर्वे लैंड भी है, गोटाबाद भी हमारे पास है, दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। और इसके अलावा हम आगे हैं स्कीम 42 में भी, अली टाउन GFS के जितनी भी कमर्शियल शॉप्स धूम मचाई भी है उसने, जितने दुकानें वगैरह निकाल रहा है, बाजार वगैरह निकाल रहा है, बहुत मियारी मतलब चीप एंड बेस्ट उसमें निकाल रहा है, वो हम सेल आउट कर रहे हैं GFS के साथ जुड़े हैं। अली टाउन हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम फौरन आप पैसे दें, कैश पे पोजेशन लें, घर बनाना शुरू कर दें, बिजली पानी वहाँ मौजूद है ऑलरेडी। अली ड्रीम सिटी है जो अभी लॉन्च हुआ है, दोनों एक ही बिल्डर्स का, KSF का, उस पर हम काम कर रहे हैं, यानी कैश पे इंस्टॉलमेंट पे हमारे पास प्लॉट्स चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल अवेलेबल है। यानी कि सस्ते प्लॉट्स मिल रहे हैं, यानी कि जो गरीब तबका है वो आसानी से बुकिंग वगैरह करा सकता है अली टाउन में। अली टाउन में भी है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, हर किसी की अपनी प्राइस रेंज है। और अब अली टाउन जो ज़्यादा हम लोगों को बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं कि इसमें आप पोजेशन फ़ौरन ले सकते हैं। एक हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट है LDA के अंडर, वो आता है 99 साल लीज है वो, और SBCA से मंजूर शुदा है, मतलब इवन वहाँ पे घर बन चुके हैं। मैं आपको बताऊंगी, आप देखेंगे भी इंशाल्लाह इस वीडियो में, उसमें घर भी बन चुके हैं, लोग रहायश पजीर हैं, बिल्डर ने भी घर बना दिए हैं, तो ये बहुत अच्छा सर्वे लैंड है, 300, 322, 323। मतलब मैं सारी इंफॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि आज का हमारा जो व्यूअर है वो बहुत नॉलेज हो गई है उसके पास, तो उनको ये बात चीज़ें जो मैं कह रही हूँ, मैं मेरे पास ऑफिस आएंगे, जिसकी लोकेशन 4K से जस्ट पहले है, वसिया जो पकवान है उससे जस्ट पहले हमारा ऑफिस है, हर जमीन और मेंटोर प्रॉपर्टी मेंटोर, हमने मर्जर एक है हमारा, हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, और हम लोग इंशाल्लाह कोई बड़ा काम करेंगे। हमारे ऑफिस आ सकते हैं, तो ऑफिस विजिट करके हम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि आपके प्राइस प्लान, आपकी जेब के हिसाब से हमारे पास क्या चीज़ है, ये है छोटा। ठीक मैम, कुछ बिल्डर्स की वजह से लोग कुछ डरे हुए भी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डरते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या कहेंगी आप? दूसरे बिल्डर्स के बारे में शायद मैं कोई कमेंट आपको ना दे सकूं कि वो क्या करते हैं, लेकिन हम एक छोटी सी पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मेंटोर, जहां ख्वाब घर में बदलते हैं, ये हमारा टैगलाइन है। और हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हमारे हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करें, पहले तो ऑथेंटिक को हम खुद वेरिफिकेशन करवाते हैं उसकी प्रॉपर डिपार्टमेंट से सारे, फिर उसके बाद हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा यूजर है वो उसको हम ऐसी चीज दें कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, चले 1% हम चांस ले लेते हैं कि वो डिलीवर नहीं हो रहा या वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम अपने क्लाइंट के साथ खड़े होंगे टूवर्ड्स बिल्डर, अगेंस्ट बिल्डर, कि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा प्रॉब्लम, ऐसे तो ऐसा है नहीं,
हमें देर सवेर हो जाती है, नो डाउट 5 से 7 साल हो सकता है, 7 से 8 साल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इसकी रीजन डॉक्यूमेंटेशन, पैसे लोगों का टाइम पे ना देना, बहुत सारे सिर्फ बिल्डर की खराबी नहीं होती, तो बेचारे की भी कुछ मजबूरियां होती है। जैसे अगर लोग पेमेंट ही नहीं करेंगे टाइम पे, इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरेंगे, कैश नहीं देंगे, तो बिल्डर बेचारा फिर कहाँ से पैसे लाएगा। इतना अमीर का भी जो बिल्डर है, फिर वो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सही है। तो ये एक चीज है, इसके हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने अलॉटी के साथ, अपने क्लाइंट के साथ खड़े रहें और उनका मसला हर लिहाज से सॉर्ट आउट करके दें। हमारी जिम्मेदारी है, वी आर द कस्टोडियन ऑफ आवर क्लाइंट्स मनी। इसकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको वलीद मेरे मैनेजर हैं वो देंगे, या अदील आपको बता देंगे, अदील मिर्जा, अदील बेग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम चला रहे हैं माशाल्लाह, वो आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा व्यू ये देना था, बिल्कुल, कि आप हमारे पास आके हर प्राइस प्लान, कि हम 7 लाख का भी है, 1 लाख की बुकिंग पे भी है, 3 लाख की बुकिंग पे दुकानें हैं, 4 लाख से लेके 50 लाख, 60 लाख की दुकानें हैं जीएफएस में, और हमारे पास दुकानों के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स और भी आ रहे हैं ऑन बोर्ड, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे। तो आप अगर चाहते हैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना या अपने कारोबार अपने दुकान से स्टार्ट करना, तो आप हमसे रब्ता करें, हम हर तरह से कोशिश करेंगे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको दें और हर लिहाज से आपके साथ खड़े होकर मैक्सिमम डिस्काउंट्स देने के बाद आपको प्लॉट्स, कमर्शियल रेजिडेंशियल, और अगर आप शॉप्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको बताएंगे। मैम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या कहेंगी? ओवरसीज पाकिस्तान, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है और तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ये आप लोग टीवी और चीजें देखे, चीजें बड़ी बूम होती रहती हैं, लेकिन आज मैं छोटी जगह से अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े ऑफिस में आए हैं, तो डेफिनेटली हमने कुछ किया होगा, कुछ देखा होगा, कुछ चीजें देख रहे होंगे जो हम चीजें कर रहे हैं। हमारा माशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पे हमारा प्रीवियस ऑफिस भी है, बिल्कुल, छोटे से शुरुआत की और आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तो हमेशा पाकिस्तान को जरूरत रही है, और आप लोग अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो शायद हम लोग कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। आपकी वजह से हम लोग सब कुछ है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस कोशिश ये करनी है कि अच्छे लोगों को तलाश करें, अच्छे लोगों के साथ काम करें। मेरी कोशिश ये है कि मैं अच्छे बन जाऊं ताकि अच्छे लोगों से जुड़ जाए। जज़ाकअल्लाह मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और आप ऐसे ही भी आ जाया करें बगैर यूट्यूब चैनल के भी इंशाल्लाह। सही है, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद फायर। मोहम्मद फायर। फायर भाई ये बताए, अली टाउन के किस किस प्रोजेक्ट में आपने बुकिंग कराई है? अली टाउन में बुकिंग कराई है अपनी। अच्छा, बिजनेस के प्लॉट की, और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सही, लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑन टाइम पोजीशन दे रहे हैं। ऑन टाइम पोजीशन दे रहे हैं। आपने साइट विजिट किया है? बिल्कुल साइट विजिट किया है। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको बोला बहुत अच्छी है। ठीक हो गया, इसमें क्या डेवलपमेंट का क्या काम हो चुका है? डेवलपमेंट की अच्छी खासी हो चुकी है। सही, और ऑन टाइम मुझे इतना पता है क्योंकि इनका प्रीवियस जो प्रोजेक्ट है इन्होंने ऑन टाइम डिलीवर किया है। सही, तो ये भी इन्होंने ऑन टाइम डिलीवर कर दिया। सर कितनी कैटेगरीज है इसमें? 120 80 स्क्वायर यार्ड है। तो क्या इंस्टॉलमेंट है? क्या इंस्टॉलमेंट है इसकी? सर इंस्टॉलमेंट इसकी क्या नाम है? बुकिंग क्या है इसकी? बुकिंग इसकी तकरीबन कोई 4 लाख रुपए से। सही, और क्या नाम है, एलोकेशन वगैरह मिला के 6 लाख रुपए बनते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप इसको 6 लाख रुपए अगर आप डाउन पेमेंट करें तो 4 लाख रुपए का डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट भी है 4 लाख रुपए का? जबरदस्त भाई। तो कितने अरसे में ये हैंड ओवर कर रहे हैं प्लाट आपको? 4 साल में। तो आपने इनके कोई और प्रोजेक्ट भी है? मैं इनके और अजीब ड्रीम्स है। अच्छा, अच्छा प्रोजेक्ट है। सही, डिलीवर कर दिया, वहाँ पे रिहाइश भी हो गई। सही, तो सर मुतमईन है आप? जी बिल्कुल, लोगों को आना चाहिए यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सर शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए सर, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सर क्या नाम है सबसे पहले तो नाम बता दें? मेरा नाम मोहम्मद वलीद है और मैं एज ए यहाँ पर सेल्स मैनेजर और मैनेजमेंट को देखता हूँ harzameen.com। सही सर, क्या है अली टाउन? पूरे कराची में अली टाउन अली टाउन अली टाउन की आवाजें गूंज रही है, ठीक है ना, तो कुछ मुझे इसके बारे में बताएं। सर अली टाउन बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जैसे और प्रोजेक्ट्स हैं, मगर हम वो फैसिलिटीज और वो सहूलियात लोगों को वहाँ पे फराहम करते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि पूरी जगह पर घूम रहा है, बेसिकली हमने वहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज लोगों को हम फराहम कर रहे हैं जो कि आप करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स के अंदर जाते हैं खरीदने के लिए, वो हम चंद लाखों रुपए के प्लॉट के अंदर हम आपको वो चीजें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली अली टाउन, आपको अगर मैं लोकेशन का अंदाजा बताऊं तो सायम अरेबियन विलास जो कि एक मशहूर मारूफ प्रोजेक्ट है, जो कि आपका 4K से आप जब लेफ्ट होते हैं
तो साइमा अरेबियन विलास से तकरीबन 7 से 8 मिनट ड्राइव के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट पड़ता है अली टाउन के नाम से, जो कि मेन रोड 300 फीट रोड चल रहा है आपका, जिसको लोग हब रिवर वाला रोड भी कंसिडर करते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ों से उसको मैच करते हैं, जो नॉर्दर्न बाईपास की तरफ जा रहा है उस रोड के ऊपर हमारा ये अली टाउन प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये अगर इस प्रोजेक्ट की मैं आपको बैक उसके बारे में बताऊँ, प्रीवियस हमने क्या चीज़ें रखी हैं इसके अंदर, तो हमने सर इसको 2018 में लॉन्च किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज 2023 के एंड में हमने 22 के एंड में हमने अल्हम्दुलिल्लाह हैंड ओवर किया लोगों को, और लोगों को घर बनाने की पूरी पोजीशन वहाँ पर हासिल थी, लोगों ने घर बनाए। और आज अगर आप जाकर हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर ऑन ग्राउंड खड़े होकर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 40-50 विलास कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और एक बहुत बड़ा एरिया हमारा कंस्ट्रक्टेड हो चुका है। हमने इसको डिलीवर किया 3 साल के अंदर और लोगों को 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर हमने बेचा था। 18 लाख रुपए की हमने बुकिंग अनाउंस की थी और आज माशाल्लाह आप देखते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट्स की रेट 36 लाख रुपए का इस टाइम हमारा प्लॉट है यहाँ पर, अगर हम बुकिंग करवाने के लिए जाते हैं। सही सर, ये बताया कि अली टाउन जो है वो लीज हो चुका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, 99 साल की लीज हमारे पास अली टाउन के अंदर मौजूद है और SBCA से अप्रूव प्रोजेक्ट है। LDA की लीज है हमारे पास, लियारी डेवलपमेंट 99 साल की लीज। ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट में जाकर हमारी तमाम एनओसीज मौजूद है और प्रॉपरली आपको वाटर सेवरेज आपकी जिस चीज की भी आपको गैस की एनओसी भी, इवन के हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की एनओसी आपको चाहिए वो भी आपको। तो सर, तो तरक्याती काम तमाम हो चुके हैं या होने बाकी हैं? नहीं सर, ऑलमोस्ट हमारा जो फेज वन है, बेसिकली हमने भी इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया है। हमारा जो फेज वन है जिसकी मैं आपसे बात करूँ, 2018 में लॉन्च किया था, जिसकी पोजीशन दी है एग्जैक्टली, वो हमने पोजीशन दे दिया, उसको हैंड ओवर कर दिया है लोगों को। अब हम अपकमिंग कोई 4-5 मंथ्स के अंदर वहाँ रिहाइश भी देते हैं लोगों को, क्योंकि हमारा तमाम काम हो चुका है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगने थे जो कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से थोड़ा सा डिले हो रहा था, अभी वो लास्ट मंथ ही हमारा पे ऑर्डर जमा हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट डेवलपमेंट और सारे तरह की आती हम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सर्वेज लाइन जल चुकी है, पानी की लाइन जल चुकी है, नलों में पानी आपके घरों के अंदर 24 आवर आता है, क्योंकि आगे पीछे हमारे पास नहर का भी सिस्टम पीछे से चल रहा है और पानी वहाँ पर बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स है हमारी, मतलब बिजली की कोई हमें परेशानी नहीं। सर, फेज टू कितने एकड़ पर था और फेज वन कितने एकड़ पर था? देखें, पूरा ओवरऑल जो है हमारा 34 एकड़ के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। सही। इसमें से हम 15 एकड़ को पोजीशन दे चुके हैं और अब हमारा 15 एकड़ तकरीबन 15 से 17 एकड़ जो है वो अभी रिमेनिंग बाकी है, जो हमारा प्री लॉन्च है। सही सर, मैं आपकी एनओसी वगैरह देख सकता हूँ? एनओसी वगैरह दिखा सकते हैं? हम शो करेंगे, क्यों नहीं, हम क्लाइंट्स को, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं कराची में, कुछ हमारे यहाँ ऐसी माफिया है, बिल्डर माफिया है, जो लोगों को सिर्फ सुहाने सपने दिखाती है, ठीक है ना, देती दिलाती कुछ नहीं है। नहीं सर, तो लोग अली टाउन के फेस टू पर क्यों इन्वेस्टमेंट करें, क्यों भरोसा करें? सर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप बिल्कुल आपकी बात राइट है, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोजेक्ट दिखाते हैं ऑन ग्राउंड प्लॉट के ऊपर ले आके खड़ा करके प्लॉट देते हैं लोगों को, डरने की हमारे से खास तौर के ऊपर आप ये समझते हैं कि अली टाउन वाले भी उसी तरह करेंगे जो और बिल्डर्स कहते हैं, जैसा भी आपको बिल्कुल, तो आप हमारे ऑन ग्राउंड आए, हमारे ऑफिस की लोकेशन पर आए, हम आपको विजिट करवाएंगे और जो चीज दे रहे हैं उस पर ले जाके खड़ा करके आपको देंगे कि ये प्लॉट। ऐसा नहीं है कि आपको मैप के ऊपर समझा दिया, बता दिया कि यही चीजें, नहीं, आपको ऑन ग्राउंड ले जाकर देंगे। सही, फेस टू में कितनी कैटेगरीज है प्लॉट की? सर हमारे पास 120 भी है, वहाँ पर 80 गज की कैटेगरी भी है, 120 है, 160 है और 240 गज की कैटेगरी है। अभी हमारी न्यूली ऑफर भी चल रही है, वो भी मैं अगर इसमें बताऊं तो हमारा जो 36 लाख रुपए वाला जो प्लॉट है, 36 लाख रुपए में 5 लाख रुपए बुकिंग से दे रहे हैं, 5 लाख बुकिंग से दे रहे हैं, बुकिंग से 36 लाख रुपए वाला प्लॉट। और इंस्टॉलमेंट क्या है इसकी? तकरीबन 15,000 रुपए पर मंथ इंस्टॉलमेंट। 15,000 कितने साल में हैंड ओवर कर देंगे? 4 साल का प्लान है, बट हम लोग 2 से 2.5 साल के अंदर हम हैंड ओवर कर देंगे कि आप घर बना लें उसके ऊपर, जो अदायगी कर सकते होंगे वो फुल पेमेंट करके अपना घर बना लें, जो चाहेंगे कि हमारा कंटिन्यू रहे शेड्यूल तो उनके शेड्यूल्स में कोई हर्डल नहीं आएगा, वो कंटिन्यू रखना, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया सर, अली टाउन के जो फेज टू फेज वन जो आपने हैंड ओवर किया है, ठीक है, इसके हैंड ओवर करने में आपके आपको कोई हर्डल वगैरह है? देखिए सर, हमारा जो 2018 से हमने स्टार्ट किया था लॉन्चिंग जो हमारी डेट थी, तो उस दौरान कोविड भी चल रहा था, आपको याद होगा, बिल्कुल, तो कोविड की सिनेरियो के अंदर भी लोग, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ओवरऑल डिस्टर्ब थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह डिस्टर्बेंस हमें भी आई, मगर हमारा जो काम था वो कंटिन्यूसली चल रहा था। जब भी हमने 2022 के एंड में हमने हैंड ओवर भी किया और लोगों को डिलीवर भी किया, तो लोग हमसे हैप्पी थे हमारे काम से, तो इसलिए कोई हमें परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फेस करनी पड़ी, सब कुछ बेहतरीन चला और 3 साल में हमने हैंड ओवर कर दिया लोगों को, 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर बेचा हमने, 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर बेचा और 3 साल में स्टार्टिंग और एंड में हमने हैंड ओवर कर दिया लोगों को, दे दिया।
सही। ये जो जो पूरी जो कॉस्ट थी आपकी, आपने कितनी बताई थी कॉस्ट? देखिए अगर बुकिंग पे अभी आप लेते हैं, मैं अभी राइट नाउ जो हमारी डील चल रही है 36 लाख वाली जो हमारी डील है, वो 5 लाख रुपए अगर आप डाउन पेमेंट पे करते हैं, हमारे ब्रोशर के ऊपर 4 लाख रुपए है, हम डिस्काउंट की बात जब प्लान करते हैं तो अगर 5 लाख रुपए बुकिंग देते हैं तो हम 31 लाख रुपए में फ्लैट लॉर्ड हैंड ओवर करेंगे आपको, और अगर आप 80 गज लेते हैं तो 24 लाख रुपए वाला जो है हमारा 22 लाख रुपए में 3 लाख रुपए बुकिंग से बढ़ेगा, और एक जो मेन है जो हमारा फेज वन है उसमें अगर आप प्लॉट लेते हैं जो कि कैश के ऊपर है, वो आज आप आज बाइंग करेंगे, आज पेमेंट करेंगे, कल से उसके बाद घर बना सकते हैं, उसमें हमारी तरफ से पोजीशन है, तो वो आपको तकरीबन पड़ेगा 26 लाख रुपए से 27 लाख रुपए तक, डिपेंड ऑन कैटेगरी के आप कॉर्नर पे जाते हैं वेस्ट ओपन पे जाते हैं तो उसके थोड़े चार्ज। सर इस यही मैं पूछना चाहता है एक्चुअली, इसमें ये सिर्फ प्लॉट ही कॉस्ट है या इसमें कोई और भी चीजें इंक्लूड है, जैसे कि डेवलपमेंट चार्जेस हो गए, कॉर्नर चार्जेस हो गए? नहीं नहीं ऐसा कोई इसके अंदर पेमेंट इंक्लूड नहीं है। अगर आप कैश के ऊपर जो प्रॉपर्टी की बात करें, अगर कैश के ऊपर आप उससे बाइंग करेंगे तो उसमें आपको जस्ट 26 लाख पे करना है और आपने बाइंग कर लेनी है मुझसे, उसमें कॉर्नर होगा तो मैं आपको बताऊंगा कॉर्नर, मगर अभी जनरल प्लॉट की बात हो रही है, उसमें ट्रांसफर फी ऐड है 1 लाख रुपए हमारी ट्रांसफर फीस है, ऐड है इसके अंदर 26 लाख। लीज चार्जेस देखिए अभी सब लीज हमने देना स्टार्ट नहीं किया, अभी जैसे जैसे हैंड ओवर करेंगे हम लोगों को मीटर्स लगेंगे, लोगों की रिहाइश होना स्टार्ट होगी तो सब लीज स्टार्ट होगी, जब सब लीज स्टार्ट करेंगे तो सब लीज के एक डिफरेंट चार्जेस हैं, बट अभी वो राइट नाउ डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकते, अभी जैसे लोगों ने कहीं 3 लाख रुपए लिएंगे, 4 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए, तो वो डिपेंड ऑन सिचुएशन और डिपेंड ऑन मार्केट होगा कि क्या सब लीज के चार्जेस हमसे एलडीए के द्वारा हमसे ले रहा है, तो वो उस वक्त के डिपेंड, क्योंकि बाद दफा ऐसा होता है ना कि बिल्डर्स लीज वगैरह के चार्जेस, डेवलपमेंट के चार्जेस, कॉर्नर पे कॉर्नर फिक्सिंग के चार्जेस, पार्क फिक्सिंग के चार्जेस बहुत ज्यादा ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मगर अली टाउन ने कभी भी किसी भी क्लाइंट को कभी आपको ऐसा फीडबैक नहीं देखेंगे, कभी हमने किसी क्लाइंट के साथ इस तरीके की परेशानी नहीं आने दी, जो हम बैठते हैं लेकर, हम शेड्यूल लेकर जब भी बैठते हैं तो हम उसे क्लियर करते हैं कि हमारा ये कॉर्नर प्लॉट है, आप कॉर्नर परचेज कर रहे हैं और कॉर्नर पे इतना परसेंट आपका लगेगा, उसके अलावा आपको कोई हिडन नहीं है, सही तो है। वो हम क्लियर करके देते हैं ऑन हमारी टेबल होता है ये काम, उसके अलावा आप चले गए बाद में कॉल करके आपको बताया जा रहा है कि कॉर्नर था, वेस्ट ओपन था, ऐसा कभी भी हमारे पूरी प्रीवियस आप चैट बैक पे चले जाएं तो हमारी 2018 से लेकर अभी हम 2024 में हैंड ओवर भी किया है, लोगों को डिलीवर किया, कोई ऐसा फीडबैक आपको अलहमदिल्ला नहीं मिलेगा उसमें। सर प्लाट की कोई डबलिंग वगैरह तो नहीं होती है? नहीं सर अलहमदिल्ला आप माशाल्लाह, एक तो हमारा देखिए छोटा प्रोजेक्ट है, 34 एकड़ 35 एकड़ इज अ वेरी शॉर्ट मतलब लैंड, उसके अंदर हमारे पास मसले मसाइल कम है, देखिए जितना छोटा प्रोजेक्ट होगा उतने मसले कम होंगे, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बहुत बड़े बड़े रकबों पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी एनओसीज, उनकी लाइंस, उनकी डेवलपमेंट, उनकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर मसले आते हैं, क्योंकि बड़े होते हैं प्रोजेक्ट्स, वो रिजॉल्व हो जाते हैं बट बड़े होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है, हमारा छोटा प्रोजेक्ट है तो हम जल्दी इसलिए डिलीवर भी हमने इसीलिए जल्दी करा क्योंकि उसका रकबा उस तरह कोई हजारों एकड़ में, 100 एकड़ों में, 200 एकड़ में नहीं है, 34 एकड़ का हमारा प्रोजेक्ट है छोटा सा, और ये हैंड ओवर किया हमने इसी वजह से क्योंकि मसले मसाइल कम थे, डबलिंग नहीं थी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, लेकिन जहाँ डबलिंग होती है वहाँ पर आपको पता है क्लाइंट्स जिसने पैसा लगाया होता है, जिसने पैसा लगाया था वो कभी भी आपको छोड़ता नहीं है, वो इंडिया में आपके फीडबैक्स आने लग जाते हैं, फेसबुक आजकल सोशल मीडिया आपको पता है कितना स्ट्रांग है, मिंट नहीं लगता है यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट को ब्लैक लिस्टेड होने, बिल्कुल, और जिस तरह के प्रोजेक्ट ब्लैक लिस्टेड हो रहे हैं वो आपको भी पता है, बहुत अच्छे तरीके से मुझे भी पता है, तो अलहमदिल्ला कभी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर अली टाउन जो है ये किस स्कीम में लगता है? एलडीए स्कीम 43 के अंदर लगता है सर, ये केएसएफ बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है, केएसएफ बिल्डर्स बेसिकली बहुत अच्छा, अभी आप लोगों ने इतना ज्यादा वेल नोन नहीं सुना होगा मगर अलहमदिल्ला इन्होंने जो प्रीवियस में काम किया है वो उन्होंने हिल टॉप फार्म हाउसेस के नाम से फार्म हाउसेस बना के हैंड ओवर किए हैं और अच्छा काम करते हुए आ रहे हैं, अली ड्रीम सिटी इनका एक बहुत बड़ा प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी कभी आपसे डिटेल में बात होगी तो बताऊंगा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा मेन नॉर्दर्न बाईपास M10 मोटरवे फलकनाथ से बिल्कुल बराबर में अली ड्रीम सिटी, वो भी इन्हीं का केएसएफ बिल्डर्स वालों का प्रोजेक्ट है, हमारा पहला प्रोजेक्ट अली टाउन था, उससे पहले हमने फार्म हाउसेस बना के हैंड ओवर किए। अच्छा अली टाउन से पहले फार्म हाउसेस थे? फार्म हाउसेस थे हमारे, वो हमने काफी सारे फार्म हाउसेस को बनाकर लोगों को डिलीवर कर दिया था, उसके बाद हम अली टाउन के बाद कौन सा नया प्रोजेक्ट आ रहा है पाइपलाइन में? सर अली ड्रीम सिटी है हमारा, सही बात, हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कमिंग पाइपलाइंस के अंदर हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द डिस्क्लोज करेंगे, वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। सर यानी के जो हमारे मुल्क में जो हमारे भाई बैठे हुए हैं उनको भी आना चाहिए यहाँ पर,
और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी उनको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सर बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी राइट नाउ अगर मैं अपनी बात करूँ कि हमारा स्टाफ काफ़ी सारे ओवरसीज क्लाइंट से कनेक्टेड है और हम लोग उनको प्रॉपर्टी परचेज करवाते हैं। सऊदी में मोस्टली, कतर में है हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स, कुवैत में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कनेक्टेड हैं। और मैं और भी आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, वो बिल्कुल 100% सर श्योर होकर आप बुकिंग करवाएं। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप सारी चीज़ों को छोड़कर आपके पास एनओसीज हों, आप उन एजेंसीज को ले जाकर डिपार्टमेंट में वेरीफाई कर सकें। देखें ये नहीं हो कि एनओसी है, मैंने आपको दिखा दी दैट सेट, बस आप यहीं तक देख सकते हो, नहीं बकायदा उसको वेरीफाई करवाएं। एग्जैक्टली, आप जाएं डिपार्टमेंट में, जाएं एनओसी दिखाएं उनको कि सर ये आपने इशू किया, अगर आपने इशू किए कब की है और अथेंटिक है, इसकी एक्सपायरी कब है और हैंड ओवर कब करेंगे, क्या है सिनेरियो, आप उनसे एक एक चीज वेरीफाई करें। मैं आपके साथ हूँ इस चीज के अंदर, आप बिल्कुल मेरे साथ चलें, जो मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं करूंगा, फिर आप बाइंग करें। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आपने जस्ट हम ओवरसीज को अगर पॉइंट आउट कर रहे हैं तो बस आप अगर वहाँ कमा रहे हैं, अल्लाह मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि आप बस वहाँ से पैसे भेजें और बुकिंग हुई, नो, हम बिल्कुल इस चीज़ पर आपको वो करेंगे। आजकल ऑनलाइन SBC की एप्स हैं, KDA की एप्स ऑनलाइन हैं, आपको LDA की एप्स, आपको ऑनलाइन आप NOC डालें, सारा मैटर सामने निकल कर क्या चीज़। सर अली टाउन के लिए बुकिंग के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा? सर अली टाउन की बुकिंग, हमारा बुकिंग ऑफिस है यहाँ पर herzameen.com के नाम से, 2 मिनट चौरंगी के ऊपर, जब आप पावर हाउस क्रॉस करते हैं 2 मिनट पे पहुँचते हैं, थोड़ा सा आगे चल के लेफ्ट साइड के ऊपर टोटल पार्कों का पंप नजर आएगा, उसी की सर्विस रोड के ऊपर आप 2 घर छोड़कर थर्ड जो हमारा हाउस है herzameen.com का बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, बुकिंग ऑफिस है, और आप आके यहाँ पर हमारे स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ होगा, आपको मिलेगा, मैं मौजूद हूँगा एज ए मैनेजर यहाँ पर, मैं देखता हूँ फ्लोर को, तो मैं तो 24 घंटे यहाँ अवेलेबल होता हूँ, मतलब आप कभी भी मुझे कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है सर, जजाकल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पास की, जो हमारे डरे हुए आवाम थी वो मेरे ख्याल से थोड़ी मुतमईन हुई होगी। बिल्कुल ठीक है ना, और मैं तो कहूँगा कि आप ज़रूर बुकिंग कराएं अली टाउन में, मैं देख चुका हूँ, ठीक है ना, और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर मैं भी कराऊंगा, तो आप लोगों से भी है गुजारिश कि आप लोग भी आएँ यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट कराएं, अपनी फ्यूचर जिनको फ्यूचर प्लानिंग करनी है वो भी करें। आपके रेफरेंस से आने वाले क्लाइंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे, क्योंकि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो मैसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आपके क्लाइंट्स को स्पेशल, आप अपना नाम के साथ जो भी आप अपना व्लॉग जिस उससे भी बनाते हैं तो वो हमारे पास आए और हमें आपका रेफरेंस दें, तो इंशाल्लाह जो मोस्टली और फेवर हो सके। अच्छा जबरदस्त भाई, देखें भाई खदीजा कामरान ब्लॉग के रेफरेंस से आए और जबरदस्त किस्म का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा लीज प्रोजेक्ट में। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।